जो है इस बात को मैं घोर निंदा इसलिए करता हूँ कि हिंदू धर्म को ठेस पहुँचाने का काम किया, हिंदुत्व विरोधी काम करने का काम किया है, जल्द से जल्द इस्तीफा दे। रामचरित मानस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जिस तरीके से बयानबाजी हो रहे हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आमने सामने हो चुकी है, ऐसे में आपको बता दे कि लगातार जो रामचरित मानस को विवादित बताया गया था और इसको लेकर शिक्षा मंत्री का अब पुतला दहन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि कह सकते हैं कि लगातार इनका विरोध हो रहा है शिक्षा मंत्री का। भारतीय जन परिवार पार्टी के द्वारा जो है शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया जा रहा है और इस वक्त पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर जो है विरोध होना शुरू हो गया है। भारतीय जन परिवार पार्टी के द्वारा जो है ये विरोध किया जा रहा है और पुतला जलाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जमकर नारेबाजी हो रहा है और शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का विरोध हो रहा है। ऐसे में बता दें कि भारतीय जन परिवार पार्टी के द्वारा यह विरोध किया जा रहा है और आपको बता दें कि डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया था और कहा था कि जो रामचरितमानस है वो विवादित है और धर्म बांटने वाला रामचरितमानस में दर्शाया गया है। इस बात के बयान के बाद जो है लगातार विरोध देखा जा रहा है पटना में और पूरे देश में। ऐसे में आपको बता दें कि आज पटना के इनकम टैक्स पर इनकम टैक्स चौराहे पर जो है विरोध हो रहा है और पूरी तरीके से जमकर नारेबाजी हो रही है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी होते हुए नजर आ रहा है भारतीय जन परिवार पार्टी के द्वारा और यहाँ पर जो पुतला जलाया जा रहा है वो शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया जा रहा है। हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरों के जरिए पुतला बनाया गया है शिक्षा मंत्री के और साफ तौर से दिखा सकते हैं कि किस तरीके से विरोध होना शुरू हो गया है। ऐसे में आपको बता रहे हैं दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर विरोध होना शुरू हो गया है और आपको बता दें कि लगातार विरोध हो रहा है और जमकर नारेबाजी हो रहा है। यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री का पोस्टर लगाया गया है चेहरे पर और उनका पुतला बनाया गया। बता दें कि पुतला के जरिए विरोध किया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध होना शुरू हो गया है। लगातार विरोध शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिक्षा मंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस जरिए हम दिखा रहे हैं लगातार प्रदर्शन जारी है। ऐसे में आपको बता दें कि प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और उनका पुतला जलाया जा रहा है यहाँ पर शिक्षा मंत्री का और विरोध जमकर हो रही है। यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि भारतीय जन परिवार पार्टी के द्वारा ये विरोध किया जा रहा है। हम उनसे बात करते हैं, भारतीय जन परिवार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है उनका, क्यों पुतला जलाया जा रहा है। भारतीय जन परिवार पार्टी क्या कहेंगे, पुतला जलाया जा रहा है, पुतला जला रहे हैं, क्यों? मैं घोर निंदा करता हूँ और मैं जो है इस बात को मैं घोर निंदा इसलिए करता हूँ कि हिंदू धर्म को ठेस पहुँचाने का काम किया, हिंदुत्व विरोधी काम करने का काम किया है। जल्द से जल्द इस्तीफा दे इन्हों, माफी भी मांगे, हाँ माफी भी मांगे और इस्तीफा भी दे और मैं सरकार से कहता हूँ तोन से तोन इनको निबंधन किया जाए। तो देखिए साफ तौर से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जन परिवार पार्टी के वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो माफी मांगे और इस्तीफा दे और मुख्यमंत्री उनका इस्तीफा भी ले। तो ये देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है और जमकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक विरोध होता रहेगा। अपने सहयोगी विशाल भरद्वाज के साथ बने रहे देश न्यूज के लिए और देखते रहे देश।